INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंगराठी का सोमवार देर शाम अंतिम संस्कार किया गया। उनकी इस अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और नफे सिंगराठी अमर रहे के नारों के साथ उनकी ये अंतिम यात्रा निकाली गई। नफे सिंगराठी का अंतिम संस्कार बहादुरगढ़ के रामबाग में किया गया। उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। सोमवार दिन भर चली मशक्कत के बाद शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि नफे सिंह के परिवार वाले और उनके समर्थक ये मांग कर रहे थे कि जब तक इस हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक नफे सिंह का पोस्टमार्टम नहीं होगा। अपने इसी मांगों को लेकर नफे सिंह के समर्थक बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल के सामने सड़क पर बैठ गए और कई घंटों तक अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने पर नफे सिंह के परिवार वाले पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए। पोस्टमार्टम के बाद नफे सिंह का शव उनके घर ले जाया गया, जिसके बाद वहां से नफे सिंह राठी की अंतिम यात्रा निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार बहादुरगढ़ के रामबाग में किया गया। बता दें, रविवार दिन दहाड़े नफे सिंह राठी को गोलियों से भून दिया। नफे सिंह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान सफेद रंग की I-10 गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी। नफे सिंह राठी की गाड़ी जैसे ही बहादुरगढ़ के बाराही फाटक के पास पहुंची, तो I-10 में सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके एक साथी की जान चली गई। बहादुरगढ़ से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।